finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. क्रिकेट और मूवीज दोनों भी हमारे देश में बहुत पॉपुलर है, दोनों से भी इंटरटेनमेंट मिलता है और ऐसे लोगों की बातें होती है जो अपने परफॉर्मेंस से सुपरस्टार बन जाते हैं। क्रिकेट और सिनेमा को हम सच्चे मन से फॉलो करते हैं, इसी वजह से इन दोनों की मैसिव फैन फॉलोइंग होती है। बॉलीवुड ने क्रिकेट पर बहुत सी फिल्में बनाई है, इनमें से कुछ हिट रही और कुछ फ्लॉप। कुछ फिल्मों को ढेर सारा प्यार मिला तो कुछ फिल्में अननोटिस्ड रही। आज की इस वीडियो में हमने 10 ऐसी फिल्मों के बारे में बताया है जो जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले क्रिकेट को बड़े पर्दे पर बखूबी दिखाती है। क्रिकेट पर बात हो और लगान को ना शामिल किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा पर और बॉलीवुड को इंटरनेशनल स्टेज पर स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया है। ये फिल्म 21वीं सदी की इंडियन सिनेमा की सबसे ग्रेट फिल्म मानी जाती है। किस तरह प्री इंडिपेंडेंट एरा के एक गांव के अनपढ़ लोग एक ब्रिटिश ऑफिसर के गुरूर को उन्हीं के खेल क्रिकेट में हराकर तोड़ देते हैं और अपना लगान 3 साल के लिए माफ करवा लेते हैं। फिल्म में सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस एक से बढ़कर एक है। एआर रहमान की म्यूजिक ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए। इस फिल्म को 2001 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला था, पर बोस्निया की फिल्म नो मैंस लैंड ने लगान को ऑस्कर की रेस से बाहर कर दिया। इकबाल जैसी फिल्में बहुत कम बनी है। ये फिल्म पहले आपका दिल तोड़ती है और बाद में आपको इंस्पायर करती है, आपके जीवन में कुछ करने का हौसला देती है। कई दफा आपको अपने सपनों का पीछा करने से अपने आसपास का समाज रोकता है, डिस्करेज करता है, मगर आप में लगन हो, पैशन हो तो आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये मैसेज फिल्म में दिया गया है। इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े ने एक गूंगे बहरे युवा का किरदार निभाया है जो अपनी कठिनाइयों का मुकाबला कर अच्छा बॉलर बनना चाहता है और इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलना चाहता है। नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म में एक शराबी की भूमिका की है जो इकबाल को कोचिंग देते हैं। इंडियन टीम को एक बैट्समैन की जरूरत है, बॉलर की नहीं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा। तू अपनी जिंदगी के कीमती दिन बर्बाद कर रहा है। तीसरे नंबर पर है नीरज पांडे की 2015 की बायोपिक फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ऐसी फिल्म जिसमें कैरेक्टर को देखने वाला इतना प्यार करता है कि कुछ गलतियां भी है तो उसे नजरअंदाज कर देता है। अब तक की किसी क्रिकेटर के जीवन पर बनी ये फिल्म सबसे बढ़िया थी। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे, और रोज गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है सर, ना तो हमको आगे का कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कब तक और कैसे चलेगा सर? फिल्म का प्रमोशन द मैन यू नो द जर्नी यू डोंट इस टैगलाइन से किया गया था। फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी के शुरुआती दौर का स्ट्रगल, उनका प्यार और पर्सनल लाइफ को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरह धोनी का किरदार निभाया है, आप किसी और को धोनी का रोल करने के लिए इमेजिन ही नहीं कर सकते। धोनी के इमोशंस, उनका कामनेस, सिंसियरिटी, किसी अपने को खोने का दर्द, इन सभी भावों को सुशांत ने परफेक्टली स्क्रीन पर दिखाया है। और उधर खड़गपुर में जॉब का सिक्योरिटी में फंस गया ना पापा, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाए। सुशांत सिंह की और एक फिल्म आज के हमारे लिस्ट में है, 2013 में आई काय पोचे, चेतन भगत की नॉवेल 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। कहानी है क्रिकेट रिलीजन और पॉलिटिक्स की, कहानी है अगला सचिन तेंदुलकर ढूंढने की, कहानी है 3 दोस्तों के दोस्ती की जो क्रिकेट से बेइंतहा प्यार करते हैं। फिल्म में सुशांत सिंह, राजकुमार राव और अमित साध मुख्य किरदारों में हैं। अगर आप सुशांत के फैन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गाने के लिए भी मेरे नोट ही लगते हैं। तेरे सिक्कों की छनछन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर सचिन के जीवन पर यह फिल्म आधारित है। उनके बचपन से लेकर क्रिकेट कोचिंग, इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलना, उनके लाइफ के उतार चढ़ाव, पर्सनल लाइफ, इन चीजों पर फिल्म में रोशनी डाली गई है और फिल्म का साउंड ट्रैक एआर रहमान ने कंपोज किया है। छठे नंबर पर है 2008 की फिल्म जन्नत। आज की लिस्ट की यह हटके फिल्म है जो मैच फिक्सिंग पर आधारित है। एक लड़की को मोहरा बना के आपने मुझे अरेस्ट करवाया, किसे अपनी जीत में समझी, और मैं रास्ते बदलता नहीं हूँ, रास्ते बनाता। फिल्म की कहानी है अर्जुन के सफर की।
किस तरह वो छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज से मैच फिक्सिंग का बड़ा बुकी बन जाता है, पैसे के लिए उसका लालच उसे किस हद तक पागल कर देता है, पैसा या अपना सच्चा प्यार, इसके बीच उसे चुनाव करना है। फिल्म के गाने और कहानी एकदम बढ़िया है। इमरान हाशमी ने अर्जुन का किरदार ब्रिलियंटली प्ले किया है। पूरा आसमान अपनी मुट्ठी में करना है मुझे, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है यार, आगे देख कहां कहां जाता हूं मैं। सातवें नंबर पर है राजकुमार हिरानी के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर रह चुके राजेश मपुस्कर की डायरेक्टोरियल डेब्यूट फिल्म फेरारी की सवारी, जो आई थी 2012 में। लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने का अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए शर्मन जोशी का किरदार सचिन की फेरारी झूठ बोलकर एक दिन के लिए लेकर आता है। फादर सन रिलेशनशिप पर आधारित ये एक इमोशनल फिल्म है। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो वो ये फिल्म जरूर देखे। This is Rustam Behram Debu, head club, early RTO. Who's speaking, please? Taro Baap. Sir, मैंने वो चर्चगेट पे सिग्नल तोड़ा तो फाइन भरने से। किसी ने देखा नहीं ना तेरे को? देखा ना सर। किसने देखा? मेरे बेटे ने देखा ना। जो देखेगा वही सीखेगा ना। नंबर 8 पर है 2007 की फिल्म चैनकुली की मैनकुली। कहानी है एक अनाथालय में रहने वाले क्रिकेट के दीवाने लड़के की, जिसे कपिल पाजी का 1983 के वर्ल्ड कप में नॉट आउट 175 स्कोर किया हुआ मैजिकल बैट मिलता है और वो क्रिकेट बेहतरीन तरीके से खेलने लगता है और इंडियन नेशनल टीम की तरफ से भी खेलता है। जिसने भी ये फिल्म देखी है वो इसके प्यार में पड़ जाएगा। लेकिन 2007 में जब ये रिलीज हुई थी तब पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, किसी ने इसे नोटिस तक नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका ज्यादा प्रमोशन नहीं किया गया और बच्चों के स्कूल शुरू होने के वक्त इसे रिलीज किया गया था। लेकिन जब टीवी पर कार्टून चैनल्स पर इसे दिखाना स्टार्ट किया तब ये फिल्म कल्ट हिट साबित हुई। ये फिल्म 2002 की अमेरिकन फिल्म लाइक माइक पर आधारित है। कपिल पाजी जिंदाबाद, चैनकुली की मैनकुली। That's interesting. भाई सुहेल को आज तक इतना ऊंचा किसी ने नहीं उठाया। नंबर 9 पर है 2011 की फिल्म पटियाला हाउस। कहानी है एक यंग ब्रिटिश इंडियन लड़के की, जिसका क्रिकेट का पैशन और उसके पिताजी के सपनों के टकराव की। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में अपने बॉलिंग से ऑडियंस को जरूर इम्प्रेस किया है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो अक्षय कुमार के लिए जरूर देखनी चाहिए। इंडिया मुझे खेलने नहीं देगी। आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन बाबूजी। ब्रिटिश चमचा क्यों नहीं कहता? ये मेरी गलती है कि आप यहाँ आके सेटल हो गए। क्या फर्क पड़ता है कि मैं इंग्लैंड के लिए खेलता हूँ? क्या फर्क पड़ता है? अगर तू इंग्लैंड के लिए खेलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। दसवें नंबर पर है 2009 की रानी मुखर्जी और शाहिद कपूर की फिल्म दिल बोले हड़िप्पा। इस फिल्म से रानी मुखर्जी पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिसने क्रिकेटर का किरदार बड़े पर्दे पर निभाया है। फिल्म में रानी मुखर्जी एक सिख लड़का बनकर क्रिकेट खेलती है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल रही पर आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।